अगर हम आज से कुछ समय पहले की बात करें, जब इंटरनेट शुरू हुआ था उस समय इंटरनेट पर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। लोगों को कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए किताबों की मदद लेनी पड़ती थी। हालांकि उस समय इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट भी मौजूद थी, लेकिन यह जानना बहुत मुश्किल था कि कौन सा वेबसाइट पर सही जानकारी मौजूद है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक व्यक्ति ने गूगल का आविष्कार किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गूगल क्या है। गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सर्च इंजाइन के अलावा और भी कई सेवाएं उपलब्ध करवाती है जिनमें एडवर्टीजमेंट, गूगल ड्राइव, मैप्स और इंटरनेट एनालिटिक आदि शामिल है। गूगल सबसे ज्यादा कमाई एडवर्ड्स से करता है। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंपनियां एप्पल, अमेज़न, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट में से एक माना जाता है। गूगल ने अपने कई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्पाद के अलावा 2016 में अपना मोबाइल भी लॉन्च किया था। इस मोबाइल का नाम गूगल पिक्सल था, जो लॉन्च होने के बाद मार्केट में तुरंत ही अपनी पहचान बना बैठा था। गूगल सभी कार्य अपने एल्गोरिथम के अनुसार करता है। गूगल अपने कंटेंट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए एल्गोरिथम को समय समय पर अपडेट करता रहता है। अब बात करते हैं कि गूगल का पूरा नाम क्या है। गूगल का पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है। अब बात करते हैं कि गूगल का नाम गूगल कैसे पड़ा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले गूगल के मालिक ने गूगल का नाम गूगल रखा था, लेकिन यह एक गलती की वजह से गूगल बन गया और इस गलती को ठीक नहीं किया गया। गूगल के मालिक का नाम लॉरी पेज और सर्गेई ब्रिन है, जिन्होंने गूगल को बनाया है, और गूगल संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है।